स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला आप सभी का फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शनिदेव हनुमान जी के पास आते हैं और साम यहां पर कहता है कि अच्छा हुआ कि ये खुद ही यहाँ पर आ गए हैं हनुमान जी, क्योंकि अब शनिदेव इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे। शनिदेव यहाँ हनुमान से पूछते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी राधा को चैलेंज करने की, वो इतनी पावन है, वो इतनी प्योर हैं कि तुमने उनके ऊपर इस तरीके की प्रतियोगिता का कैसे दुस्साहस किया, और क्या तुम भूल गए हो कि ये तुम्हारी अयोध्या नहीं बल्कि कृष्ण की द्वारका नगरी है और यहाँ पर सिर्फ हर कोई श्री कृष्ण का ही नाम जपेगा। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने दो गलतियां की हैं, पहला कि मैं साम के इन्फ्लुएंस में आ गया और मैंने यहाँ पर चैलेंज किया प्रभु श्री राम के डिवोटीज़ को, सो इससे बेटर है कि मुझे कोई भी नहीं समझ सकता, चाहे वो सिटी द्वारका हो या फिर कोई और, मेरे प्रभु श्री राम के नाम का जाप यहाँ हर कोई करेगा। शनिदेव ये सुनकर उसे वॉर्न करते हैं और कहते हैं कि तुम हिम्मत भी कैसे कर रहे हो हमारी राधा को परेशान करने की, इससे बेहतर है कि तुम द्वारका छोड़कर चले जाओ। हनुमान जी कहते हैं कि हाँ मैं छोड़कर चला जाऊँगा, लेकिन अगर मैं ये द्वारका ऐसे ही छोड़कर चला गया तो शाम को उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पहले शाम को उसकी गलतियों की सज़ा ज़रूर दूंगा, वरना वो कभी भी सही और गलत में भेद नहीं कर पाएगा। शनिदेव यहाँ पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे सामने इसे पनिश करोगे जो मेरे साथ है और वो एक बच्चा है, तुम एक बच्चे पर प्रहार करोगे। शनिदेव यहाँ पर वॉर्न करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा ही सही, और तुम वक्र दृष्टि झेलने के लिए मेरी तैयार हो जाओ। हनुमान जी यहाँ पर कहेंगे कि वक्र दृष्टि आपके सिर्फ एक ताकत है जिसे आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये अब टाइम आ गया है कि मैं आपको आपकी गलतियों की सज़ा दूं। बलराम सब कुछ देख रहे होते हैं और वो कृष्ण से कहते हैं कि जाओ कान्हा, तुम इन दोनों का झगड़ा बंद क्यों नहीं करते, जाकर के कुछ करो। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, पहले थोड़ा इन दोनों को बात कर लेने दीजिए, इससे बेटर है कि ये दोनों जिस तरीके से एक दूसरे को ट्रीट कर रही हैं वो बिल्कुल सही है। और साम सोचता है कि हनुमान जी अब यहाँ से भाग नहीं सकते और शनिदेव अपनी जो वक्र दृष्टि है वो उस पर डालकर ही रहेंगे। यहाँ पर देवी गौरी भी सब कुछ देख रही होती हैं, वो महादेव से कहती हैं कि महादेव, एक आपका अंश है और दूसरा आपका भक्त है, आप भला इन दोनों में से किसकी सहायता करेंगे। महादेव कहते हैं कि ये श्री कृष्ण की प्लानिंग है पूरी, तो इसीलिए जितने भी लोग पृथ्वी पर हैं उन सब की जिम्मेदारी शनिदेव की दृष्टि पर है, क्योंकि सबके कर्मों का फल वही देते हैं, इसलिए हमें इसमें अपना हाथ नहीं लगाना चाहिए। शनिदेव यह हनुमान जी को अलर्ट करते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे ऊपर अपनी वक्र दृष्टि डालूंगा। हनुमान जी यहाँ पर शनिदेव को ख़त्म करने की बात करते हैं और शनिदेव कि जैसे ही अपनी वक्र दृष्टि हनुमान जी पर डालते हैं वो उनकी वक्र दृष्टि को खंडित कर देते हैं। ये देखकर शनिदेव बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। हनुमान जी कहते हैं कि ये मेरे प्रभु श्री राम की आशीर्वाद और उनकी शक्तियों के कारण ही हुआ है। शनिदेव दोबारा उन पर आक्रमण करते हैं, लेकिन हनुमान वो श्रिंक हो जाते हैं और बहुत छोटे से हो जाते हैं और वो अपनी सिद्धियों का प्रचार भी करते हैं और शनिदेव के हर एक अटैक को वो बड़ी ही आसानी से खंडित कर देते हैं। हनुमान जी कभी अपने आप को बहुत बड़ा कर लेते हैं और उनके बार बार जो अटैक कर रहे होते हैं शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि का, उसे खंडित कर देते हैं। शनिदेव यहाँ पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ये सारी जो तुम चालें चल रहे हो मेरे साथ कुछ भी नहीं काम आने वाली, और उनके ऊपर दोबारा से वार करते हैं। हनुमान जी उसे दोबारा से खंडित कर देते हैं। राधा कृष्ण की तरफ भागती हैं और कहती हैं कि द्वारका के लोग जम चुके हैं, कोई भी कुछ कर नहीं रहा है, ना ही चल रहा है। कृष्ण जी ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे वो ये न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए हैं। राधा कहती हैं कि हाँ, मुझे यकीन है कि हनुमान ही इस सब चीज़ों के पीछे है, मैं तुमसे मदद की गुहार लगाती हूँ कि तुम्हें मेरी ही नहीं बल्कि द्वारका वासियों की मदद करनी होगी। कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, अगर द्वारका का क्वेश्चन है तो भला मैं कैसे कुछ नहीं कर सकता हूँ, और वो उनके साथ चलने जाते हैं। उधर हनुमान जी कंटिन्यूसली शनिदेव के सारे जो प्रहार हैं उन्हें नष्ट कर रहे होते हैं अपनी सिद्धियों के साथ। तभी शनिदेव सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हनुमान मेरी शक्तियाँ कहीं अपने आप में समाहित तो नहीं कर रहे। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, ये मेरी गरिमा सिद्धि है। शनिदेव हनुमान जी की पूंछ देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें कैसे सबक सिखाना है।
वो हनुमान जी की पूंछ की तरफ आक्रमण करने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे जानवरों को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और वो उनकी पूंछ पकड़ लेते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारी जैसी गलती रावण ने भी की थी, उसने भी मेरी पूंछ को बहुत हल्के में लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी पूंछ क्या है। यहाँ पर वो जैसे ही शनिदेव उनकी पूंछ पकड़ने जाते हैं, शनिदेव को बहुत ही टाइट से वो अपनी पूंछ से बांध लेते हैं, जिसके बाद उनका दम घुटने लगता है और शनिदेव हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मुझे मुक्त कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हनुमान जी फाइनली शनिदेव को अपनी पूंछ के बंधन से आज़ाद करते हैं और उन्हें पीछे की ओर धक्का देते हैं और कहते हैं कि देखा, ये मेरा गधा है जो मेरी शक्ति ही है। शनिदेव ज़मीन पर गिर जाते हैं और थोड़े बेहोश से हो जाते हैं। द्वारकावासी जो फ्रीज हुए होते हैं, जो रुके हुए होते हैं, वो वापस से चलने लगते हैं और शनि देव जैसे ही उन्हें पनिश करते होते हैं, उनका जो घमंड टूट जाता है उसकी वजह से यह असर होता है। कृष्ण जी कहते हैं कि बताओ राधा, सब कुछ तो नॉर्मल है, कौन रुका हुआ है। हनुमान जी तभी यहाँ पर शाम को पनिश करते हैं, शाम को धक्का देते हैं और शाम भी गिर जाता है। राधा यहाँ कृष्ण से कहती है हनुमान कहाँ है। हनुमान तभी एंटर होते हैं और उन्होंने अपने कंधों पर एक तरफ शाम और एक तरफ शनि देव लिए होते हैं। राधा पूछती हैं कि ये क्या है। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे छल कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए सारे द्वारका वासियों को मैं छल कपट से दूर कर रहा हूँ, और श्री राम का नाम वो एक बार लेते हैं काफ़ी ज़ोर से। शाम यहाँ पर शनिदेव को लाया था मुझे हराने के लिए, मुझ पर छल करने के लिए। कृष्ण जी कहते हैं कि शाम, शाम ने क्यों बुलाया शनिदेव को। तभी शाम कहता है कि ये बंदर झूठ बोल रहा है, ये वानर झूठ बोल रहा है। कृष्ण जी शाम को पकड़ते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानते शाम, तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए। शाम फाइनली अपनी मिस्टेक कबूल कर लेता है और वो मान जाता है कि शनिदेव को वही लाया था। हनुमान जी यहाँ पर शाम को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने पिताश्री से माफ़ी मांगनी चाहिए। शाम यहाँ पर ऐसे ही करता है। माफ़ी मांगने के बाद वो अपने कक्ष में जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में कराता होता है। कृष्ण जी यहाँ राधा पर कहते हैं कि हनुमान जी कभी भी छल नहीं करते किसी के साथ, उनका दिल बहुत ही ज़्यादा साफ है। राधा भी यहाँ पर हनुमान जी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं। राधा देखती हैं शनिदेव काफ़ी ज़्यादा बेहोशी से में होते हैं और वो दर्द में करा रहे होते हैं और वो हनुमान के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी राधा पूछती हैं कृष्ण से कि क्या तुम शनिदेव को कक्ष तक नहीं ले जाओगे, और ताकि हम उनको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ठीक कर पाएं। अपने लिए इतनी ज़्यादा केयर देखकर शनिदेव यहाँ पर श्री राधा को बताते हैं कि शाम मुझे यहाँ पर लाया था आपकी और कृष्ण की इंसल्ट करने के लिए, और हनुमान के ख़िलाफ़ मुझे भड़काया गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और शनिदेव को कृष्ण जी समझाते हैं, जिसे मानकर वो काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी अपनी गलती समझ जाते हैं। उधर दिखाया जाएगा हनुमान जी का सीन, जो कि शनिदेव के जख्मों पर सरसों का तेल लगा रहे होते हैं, और राधा इन दोनों की ये दोस्ती देखकर, हनुमान जी के नेचर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं कि हनुमान जी को आभास है कि उनसे एक गलत फहमी हुई थी, जिसमें उन्होंने शनिदेव का काफ़ी बुरा हाल किया है। राधा उनके कमरे में आती हैं और कृष्ण को देखती हैं कि वो तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। तभी वो कृष्ण से बात करती हैं और कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने हनुमान को गलत समझा। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हनुमान तुमसे ज़्यादा उत्तीर्ण हैं, तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं भक्ति में भी, तो राधा कहती हैं कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं जीतूंगी और मैं अपनी शर्त पूरी भी करूंगी, और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इनडायरेक्टली तारीफ़ कर रही हूँ, ना कि मैंने ये कहा है कि मैं ये रण छोड़कर जा रही हूँ। तभी वहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण कि अच्छा, तुम्हें अच्छे से पता है कि हनुमान जी और महादेव एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो तुम क्यों नहीं मान लेती और ये सब बंद क्यों नहीं करती। कृष्ण जी यहाँ पर राधा से पूछते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है राधा ये मानने में कि महादेव के जो पूरक हैं हमारे हनुमान जी, वो तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं। तभी राधा कहती हैं कि और तुम क्यों नहीं मान लेते कि मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करना है जिससे मेरी भक्ति ज़्यादा सिद्ध हो जाए। यहाँ श्री कृष्ण राधा को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझे भी किसी ना किसी को सबक ज़रूर सिखाना है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड।